नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा आयोजित अशरय मुबारका में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज दोपहर बाद तीन देशों सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र ने सूखा राहत के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए 150 करोड़ रूपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी। महाराष्ट्र के लिए भी लगभग 61 करोड़ रूपये की सहायता की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ में स्वदेश योजना के तहत देश की पहली जनजातीय सर्किट पर्यटन परियोजना का शुभारंभ आज। दक्षिण कोरिया में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के उदयवीर सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर जूनियर व्यक्तिगत पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत को टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक दिलाने में भी योगदान किया। और पोलैंड में महिला अंतर्राष्ट्रीय सिलेसियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में आयोजित अशरय मुबारका में शामिल होंगे। वे दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें मजहबी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से भी मिलेंगे। डॉ सैफुद्दीन ने इंदौर की सैफी नगर मस्जिद में बुधवार से 9 दिन का धार्मिक संवाद आयोजित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर सैयदना से मिलेंगे और उनके उपदेशों में हिस्सा लेंगे। यह भी पहली बार है जब डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन इंदौर में उपदेश देने आए हैं। इंदौर में इन उपदेशों को सुनने के लिए दुनिया भर से दाऊदी बोहरा समुदाय के लाखों सदस्य यहां आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के आला अधिकारी पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए इंदौर से संजीव शर्मा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तीन देशों सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की यात्रा पर आज रवाना हो रहे हैं। 7 दिन की यात्रा के दौरान श्री नायडू सबसे पहले सर्बिया जाएंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ अंजू कुमार ने कहा, वी हैव वेरी स्ट्रांग ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन विद ऑल द 3 कंट्रीज, वुड लाइक टू बिल्ड ऑन दीज हिस्टोरिकल लिंकेजेस एंड इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कनेक्ट विद दीज फ्रेंडली कंट्रीज एंड री एनर्जाइज आर रिलेशनशिप। यात्रा के दूसरे चरण में श्री नायडू रविवार को माल्टा पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में उपराष्ट्रपति 18 सितंबर को रोमानिया पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट। मध्य यूरोप के ये 3 देशों का भारत के लिए कई मायनों में महत्व है और ये तीनों देश तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हैं। इस यात्रा से इन देशों के साथ कृषि, विज्ञान, सूचना तकनीक, पर्यटन समेत कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी और इन क्षेत्रों में कई समझौते होने की भी उम्मीद है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के लिए 1,57,23,00,000 रुपए और महाराष्ट्र के लिए 60,76,00,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी है। ये सहायता राशि वर्ष 2017-18 के दौरान रबी मौसम में सूखे से प्रभावित रहे उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाएगी। महाराष्ट्र को यह सहायता पिछले वर्ष फसल को तूफान और कीड़ों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बारिसोव के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग की 23वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोग की बैठक वर्ष में एक बार होती है। श्रीमती स्वराज कल मॉस्को पहुंची और उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ओडिशा में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के ऐसे प्रत्येक बच्चे और सभी गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना है जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीके नहीं लग पाए हैं। पेश है कटक से हमारी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट।
ओडिशा सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए 10 आकांक्षी जिलों में 3 चरणों वाला विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ये जिले हैं ढेंकनाल, नबरंगपुर, गजपति, कंधमाल, बलांगीर, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी और नौपाड़ा। नबरंगपुर जिले की एक लाभार्थी सबिया खातून ने इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा, मेरा 1.5 साल का बच्चा है लेकिन उसका वैक्सीन मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं अपने गांव में चली गई थी। अभी आई दीदी ने मुझे बताया मिशन इंद्रधनुष चल रहा है तो ये टीका लगाया जाएगा। मेरे बच्चे को टीका लगाई, 1.5 साल का DPT बूस्टर और विटामिन दिया गया। पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार दूर दराज के इलाकों, शहरी मलिन बस्तियों और ईंट भट्टों जैसे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। कटक से तपन महाराणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत न मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये। मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आज खाने में क्या है? आज है खिचड़ी, दही, दलिया, मसला केला और आम। अरे अरे, ये क्या क्या बना दिया? आपके लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए। अच्छा, 6 महीने बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ घर का खाना दें ताकि वो तेज और तंदुरुस्त बने। याद रखिए, एक बार नहीं 3-4 बार खिलाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लो दीदी, आ गया अस्पताल। डॉक्टर, यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं। स्वच्छता का संकल्प करें स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। सफल रूप से कायाकल्प करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इनाम भी मिलेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पहल। रमेश, क्या कर रहा है भाई? आओ जगदीश, मैं तो नए भारत के निर्माण में लगा हूँ। तू नए भारत के निर्माण में, और वो भी सिर्फ इस लैपटॉप से? भाई, अपना एडवांस टैक्स समय पर भर रहा हूँ और इसी से तो होगा नए भारत का निर्माण। बिल्कुल सही, आप जो भी इनकम टैक्स के रूप में भरते हैं, हर वो रुपया आपके लिए और देश के लिए ही खर्च किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, देश की सुरक्षा हो या नई सुविधाओं का निर्माण। आइए मिलकर हम करें नए भारत का निर्माण। समय पर इनकम टैक्स देकर करें अपना योगदान। तो जल्दी करिए 15 सितंबर 2018 या उससे पहले अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त का भुगतान करिए। अरे बहू, मुन्ना कहाँ है? अम्मा, मुन्ना खेल रहा है अंदर। तुझे जो मुन्ने के पोषण के लिए बात बताई थी याद है ना? हाँ अम्मा, अच्छी तरह से याद है। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद से शुरुआती 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और 6 महीने के बाद दूध के साथ ऊपरी आहार जैसे दाल, चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी इत्यादि खिलाना चाहिए। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी। सही पोषण, देश रोशन। पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश की पहली जनजातीय सर्किट पर्यटन परियोजना आज छत्तीसगढ़ के गंगरेल में शुरू की जा रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस सर्किट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 13 पर्यटन स्थल शामिल किए जाएंगे। जनजातीय सर्किट के तहत लकड़ी की बनी पर्यावरण अनुकूल कुटीर, शिल्पहाट, स्थानीय कलाकृतियों की दुकान, खुला थिएटर, जनजातीय जानकारी केंद्र, कार्यशाला केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, संपर्क सुविधा केंद्र तथा रास्ते में आने वाले प्राकृतिक स्थलों और दृश्यों की जानकारी उपलब्ध कराने वाले केंद्रों की भी मंजूरी दी गई है। दक्षिण कोरिया में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के 16 वर्षीय उदयवीर सिंह ने पुरुषों के 25 मीटर जूनियर व्यक्तिगत पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अमेरिका के हेनरी लेवरेट और कोरिया के ली जैकुन को पीछे छोड़ते हुए 587 के स्कोर के साथ स्वर्ण जीता। पदक तालिका में 9 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर है।
पोलैंड में महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय सिलेसियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एल सरिता देवी, एमसी मैरीकॉम, रितु ग्रेवाल और लवीना बोरगोहिन के पदक पक्के हो गए हैं। ये चारों भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एमसी मैरीकॉम को 48 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग के अंतिम चार में सीधा प्रवेश मिला। जूनियर प्रतिस्पर्धा में राज साहिबा ने 70 किलोग्राम वर्ग में पोलैंड की बारबरा मार्सिनकोवस्का को 5-0 से मात दी। 75 किलोग्राम वर्ग में नेहा ने दरिया परडा को हराया, जबकि 80 किलोग्राम वर्ग में कोमल ने कड़े मुकाबले में मार्टिना जेंसेलिच को 3-2 से शिकस्त दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर भी उपलब्ध हैं। का बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें। जिंक की गोली 14 दिन। माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दस से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद कनक। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है माल्या पर महाजंग, कांग्रेस ने लगाया जेटली पर भगोड़े से सांठगांठ का आरोप, बीजेपी बोली यूपीए ने दिया था किंगफिशर को फायदा। हिंदुस्तान की सुर्खी है पीएम कांग्रेस अध्यक्ष खुद मोर्चे पर। पत्र ने प्रधानमंत्री का बयान दिया है सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटा है विपक्ष। साथ ही राहुल गांधी का बयान है माल्या पर सरकार झूठ बोल रही। जनसत्ता कहता है माल्या जेटली मुलाकात के दावे पर घमासान। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कामयाबी की खबर देते हुए नवभारत टाइम्स ने लिखा है अध्यक्ष समेत 3 पद एबीवीपी ने जीते, 1 पद एनएसयूआई को मिला। हिंदुस्तान ने उच्चतम न्यायालय का फैसला दिया है बिना बीमा वाले वाहन से दुर्घटना होने पर वाहन बेचकर पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। अमर उजाला की पहली खबर है गणेश उत्सव पर यूपी को दहलाने की साजिश नाकाम, हिजबुल आतंकी कानपुर से गिरफ्तार। हलाला के खिलाफ याचिका देने वाली महिला पर तेजाब से हमला अमर उजाला के पहले पृष्ठ पर है। गैंगरेप के आरोपी ज्योतिषाचार्य आशु महाराज की गाजियाबाद से गिरफ्तारी की खबर अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान ने पहले पृष्ठ पर उत्साहजनक खबर बॉक्स में दी है हिंदी डिसलेक्सिया से निपटने में दवा का काम कर रही शोधकर्ता डॉ नंदिनी ने इसका कारण बताया है कि डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे भारतीय भाषाएं बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जनसत्ता ने पहले पृष्ठ पर सबसे नीचे हिंदी या हिंग्लिश भी बना सकती है आपको डॉक्टर शीर्षक से बताया है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं अब हिंदी में भी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा आयोजित अशरे मुबारका में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज दोपहर बाद 3 देशों सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। केंद्र ने सूखा राहत के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के लिए भी लगभग 61 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई है। छत्तीसगढ़ में स्वदेश योजना के तहत देश की पहली जनजातीय सर्किट परीक्षण परियोजना का शुभारंभ आज किया जाएगा। दक्षिण कोरिया में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के उदयवीर सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर जूनियर व्यक्तिगत पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और पोलैंड में महिला अंतर्राष्ट्रीय सिलेसियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।